हमारे आंख दांत सब कुछ जवाब देने लगेंगे कि भाई मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूँ, बहुत दिन रह गया तेरे साथ, कल के मेरे बच्चे आपके बच्चे या किसी के भी बच्चे बड़े होकर ये ना बोले कि पापा आपने ये मेरे लिए क्यों नहीं किया, आपने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया। अगर जिस दिन आप कुछ नहीं किए रहेंगे और आपका लड़का आपसे बोलेगा तो आप भी यही सोचेंगे कि मुझे याद करेंगे, उस दिन मुझे याद करेंगे और सोचेंगे कि वो लड़का सही कह रहा था, उस दिन मुझे वो चीज कर लेना चाहिए। आज ये वीडियो थोड़ा सा आपको दुख देगा, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, वो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आप इस वीडियो को नहीं देखोगे क्योंकि आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको इससे क्या मतलब है यार, किसी का एक्सपीरियंस हासिल करना ये तो वही देखेगा ना जिसको सच में कुछ करना होगा कि भाई वो कैसे आगे बढ़ रहा है, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी नॉलेज है, क्या उसके पास कोई ज्ञान का भंडार है, किस वजह से वो आगे बढ़ रहा है। ये सब बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को छोड़ करके आप जा सकते हैं क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो आज सबसे हट के है, कुछ एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। देखिए जब आप कुछ करना चाहते हैं ना तो लोग आपको करने नहीं देते हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी नहीं करने देंगे, अगर बुरा कर रहे हैं तो भी आपको करने नहीं देंगे, वो बीच में अपना ज्ञान पे लेंगे आकर के और बताएंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, जबकि ये आपको पता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं, ये आपको पता है, उसको पता नहीं है लेकिन वो फिर भी अपना ज्ञान देगा आपको और आपको उस ज्ञान में आप फंस जाएंगे और फंस करके आप बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे कुछ पॉइंट वाली बात बताना चाहता हूँ, कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज अगर आप मिस कर देंगे तो सच में यार बहुत देर हो जाएगी और आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपके जीवन में जब ये घटना होगा ना तो आप सोचेंगे कि यार वो लड़का सही कह रहा था, वो सही कह रहा था, ऐसा होता है। देखिए इस दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ये जिंदगी की लड़ाई ये आपको ही लड़ना है, अकेले ही लड़ना है, चाहे आप जितना भी कमाते हैं आप अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से कमाते हैं और आगे जितना भी कमाएंगे सब कुछ आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कमाएंगे। अगर आप महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं ना तो ये आप 10,000 रुपये की नॉलेज रखते हैं, अगर आप महीने की 50,000 कमाते हैं तो आप 50,000 वाली नॉलेज रखते हैं। मेरा दोस्त है, मैं और वो एक ही साथ काम करते थे फैक्ट्री में, गए थे काम करने तो मुझे मिलता था 7,000, उसको मिलता था 10,000, वो मेरे से एक लेवल बड़ा था, मतलब जगह पे है ना, उसकी कुर्सी लगती थी, मैं खड़ा होकर काम करता था। मैं सोचता था कि यार हम दोनों जब साथ में ही हैं तो तेरे को ज़्यादा क्यों मिलता है और मेरे को कम क्यों मिलता है, तो कहता है कि मैं डिप्लोमा किया हूं और मैं डिप्लोमा नहीं किया था, सीधी सी बात है, तो उसको मिलता था मुझे नहीं मिलता था। तो जाहिर सी बात है ना कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपको पैसा भी बढ़ जाएगा, लेकिन लोग इस चक्कर में नहीं है, लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा सीक्रेट मुझे बता दे, कोई ऐसा बिजनेस मुझे बता दे जो रातों रात मुझे अमीर कर देगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं मुझे कमेंट करते हैं कि यार कोई अच्छा ढंग का बिजनेस बताओ यार, ये सब तो ठीक है जो बताते हो ठीक है, कोई ढंग का बताओ जो मतलब कुछ करना ना पड़े पैसे आ जाए। ठीक है यार, ऐसा कोई ट्रिक अगर होता तो क्या मैं वो अपने पे अप्लाई नहीं कर लेता, मैं अगर जानता तो मैं अपने पे अप्लाई नहीं कर लेता, अगर कोई भी जानता तो वो अपने पे अप्लाई कर लेता, ऐसा कोई ट्रिक होता ही नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होता है, सब कुछ आपको ही करना है। अगर आप रेडी चलाने के लायक हैं, आप जानते हैं कि आप रेडी चला करके खुश रहेंगे और आप पैसे कमाएंगे लेकिन आप नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि मैं नाली साफ करूंगा वहां पे मुझे 500,000 रुपये बन सकते हैं 1-2 घंटे के अंदर, लेकिन आप नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, अगर आपके जगह पे मैं भी हूं तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा अरे यार मैं नाली साफ करने जाऊंगा, ये वाली नाली गंदी नाली मैं साफ करूंगा, यही रह गया जिंदगी में। देखिए सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं और ये हमारी और आपकी दोस्त भी नहीं है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है, हमारे समाज में ऐसे मतलब कि लोग आपको ज्ञान दे देंगे, आपके पड़ोसी मित्र यार दोस्त आपको ऐसे ज्ञान दे देंगे कि आप चाह कर भी वो काम नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, चाह कर भी आप वो काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बात आपको अगर बुरा लग रहा हो तो माफ कीजिएगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपके आस पास जो आपको अच्छा करने से भी रोकते हैं और बुरा करने से भी रोकते हैं। ये चैनल मैं खोला हूँ, मुझे पैसे मिलता है, मैं इसे कमाता हूँ, आप अगर खोलेंगे तो आप भी कमा सकते हैं, अपने वीडियोज में बार बार बताता हूँ कमाओ ना यार, क्या दिक्कत है, किस चीज की वेट का आप कर रहे हैं,
आपका समय निकल रहा है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका निकल रहा है। आप जानते हैं, आपको नहीं पता, आपका पैसा, कमाया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, लेकिन हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप कुछ सामग्री देख रहे हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से सजाया है। ये 1,00,000 लोग जोड़ने में पता है क्या होती है? कोई यूट्यूबर होगा तो उससे जाकर के आप पूछना कि 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी दिक्कत होती है। उसके बाद से पैसे आते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन जो पहले फ्री में आपने 3-4 साल आपने काम किया है, ये तो कोई नहीं देखता है। अभी आप लोग मुझे कमेंट करोगे, भाई आप महीने का 50,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपको दिख रहा है ना, रिजल्ट आपको दिख रहा है, उसके पीछे जो स्ट्रगल है, उसके पीछे जो मेहनत है, वो किसी को नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इन सीक्रेट के चक्कर में मत रहिए कि ये कोई सीक्रेट आपको बताएगा, कोई ऐसा राज आपको बता देगा जो आप अमीर बन जाएंगे। कोई नहीं है मेरे दोस्त, कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मैं खुद अमीर होता, या कोई और खुद अमीर होता, ऐसा कोई ट्रिक होता ही नहीं है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, एक प्रण लीजिए कि मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं वीडियोस देख देख करके ऐसे ऐसे फालतू वीडियोस आप देखते हैं जिसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, वो आपके जीवन में क्या काम आएगा, क्या काम आएगा मेरे भाई? वो अगर आपने इंटरटेन वाली वीडियोस देखते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, 10 मिनट तक आपने देखा, आधा घंटा देखा, ठीक है, दिन भर में आप उसमें लगे हुए हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर उसमें अपना टाइम निकाल देते हैं, लेकिन कुछ ढंग की चीज़ें, कुछ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ ऐसे वीडियो जिससे आपको कुछ सीखने के मिले, अपने फील्ड का वीडियो, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप एक ड्राइवर हैं, तो आप उसी से रिलेटेड वीडियो देखेंगे ना, कि गाड़ी कैसे चलाएं, कौन सी ट्रिक, कौन सा गियर, किस तरीके का नई मॉडल आ रही है, आप उसके नॉलेज रखेंगे तो अभी तो आप आगे होंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपके जीवन में कोई काम का नहीं है, फिर तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बुरा लग रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा कोई मकसद नहीं है, और मैं बस इतना सा बताना चाहता हूँ यार कि देखो, आपका टाइम नुकसान हो रहा है, उसको सबसे पहले आप अपने टाइम को मैनेज करो यार, क्योंकि हम आधा जिंदगी जो हमारी होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। इंटरवल के पहले वाला पिक्चर है ना, वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद वाला है, थोड़े दिन बचे हैं, उसके बाद से एक ऐसा समय आएगा कि 5 kg का जो वजन होता है ना, वो भी हमसे उठेगा नहीं, वो थैला हमसे नहीं उठेगा। हमारे आंख, दांत, सब कुछ जवाब देने लगेंगे कि भाई मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूँ, बहुत दिन रह गया तेरे साथ। तो इससे पहले हमें कुछ करना होगा यार, कल के मेरे बच्चे, आपके बच्चे, या किसी के भी बच्चे बड़े होकर ये ना बोलें कि पापा आपने ये मेरे लिए क्यों नहीं किया, आपने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया। अगर जिस दिन आप कुछ नहीं किए रहेंगे और आपका लड़का आपसे बोलेगा, तो आप भी यही सोचेंगे कि मुझे याद करेंगे, उस दिन मुझे याद करेंगे और सोचेंगे कि वो लड़का सही कह रहा था, उस दिन मुझे वो चीज़ कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आप आखिरी में बस इतना सा कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि जितने लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, इन फालतू वाली वीडियोज़ के चक्कर में मत रहिए। अगर आपको बिजनेस देखना है तो कुछ ढंग का देखिए और देख करके उसको कीजिए। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियोस में मैं ऐड आज नहीं लगाऊंगा आज, क्योंकि दिल से निकला है बात और दिल तक पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। YouTube पे काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, कीजिएगा, बेधड़क कीजिएगा, डरिएगा मत, कोई आपको रोकेगा नहीं, खुद आप अपने आप को रोकेंगे। बाकी दुनिया में किसी में दम नहीं है कि कोई आपको रोकेगा, जब तक आप हार ना मान जाएं, ठीक है, ये सही बात है, ये गलत बात नहीं है। और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो बिल्कुल पाएंगे, ठीक है, उसके चक्कर में मत रहिएगा, ना तो अपने दिमाग में आने मत दीजिएगा कि मुझे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है। किसी से भी बड़े जो कुछ किए हैं अपने ज़िंदगी में, उनसे राय लीजिएगा, उनके बीच में बैठिएगा, उनसे बातें कीजिएगा। ऐसे लोग जो खुद कुछ किए नहीं हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं, उनके बीच में बैठने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी वो आग है जो कुछ करने वाला है, तो धमाका मचाएगा, एक न एक दिन धमाका जरूर मचाएगा। इस वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो भी मनोकामना हो यार पूर्ण हो, भगवान करें कि आप सब कुछ पा जाएं जो आप पाना चाहते हैं। थैंक यू।